ओके तो अभी तक हमने क्या बना लिया? नेव बार, हीरो सेक्शन, सर्विस सेक्शन, ये गैलरी पेज, फुटर, और कुछ बनाया? और कुछ नहीं बनाया। राउटिंग भी कर लिया हमने। ऑल प्रोडक्ट्स का मैंने कंपोनेंट्स नहीं बनाया, तो वो बना लेते हैं पहले, राइट। यहाँ पे फोल्डर लेते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ पे? एप डॉट जे एस एक्स में, यहाँ इंपोर्ट कर लेते इसको। इंपोर्ट हो गया, इसको लिख देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। अब इसको कॉपी करो और नैव बार में चलते हैं। ये रहा, यहाँ पे एक लिंक देते हैं, लो भाई राउटिंग तो सेट हो गई, लेकिन दिक्कत कहाँ है बताओ। ऑल प्रोडक्ट में क्लिक करते ही ये नैव बार, ये फुटर मेरे को चाहिए ना, तो ऑल प्रोडक्ट में चलते हैं। हमने जो लेआउट बनाया था ना, उसको रैप कर देते इससे, है ना। अभी लेआउट, अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। इसका भी राउटिंग किया नहीं, कर लेंगे बाद में। ऑल प्रोडक्ट का होम का हो गया है, कार्ट का हो गया है, क्लास डिड नॉट मीन क्लास नेम, ये कहाँ पे है भाई, ये कहाँ पे है? अच्छा मैंने वहाँ पे कॉपी किया होगा ना, एक मिनट में बताता हूँ कहाँ पे हो सकता है। हीरो पे नहीं, गैलरी वाले में होगा। क्लास नेम ये रहा, देखो यहाँ पे क्लास नेम लिखना पड़ेगा सब जगह। इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी करो, सब जगह कॉपी कर लेगा ये, ठीक है, जहाँ भी क्लास है। हो गया, अब यहाँ पे लिखो CLASS क्लास नेम। लिख तो दिया भाई क्लास नेम, अब कहाँ लिखूँ? और भी कहीं रह गया है क्या? हेडर भी नौ बार लूट, हीरो सेक्शन में क्लास नेम है। ओ यहाँ पे भी है भाई, देखो एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी कहाँ है, और कहीं भी है? फुटर में भी है क्या भाई? मैं सब जगह सही कर लेता हूँ, तुम भी कर लेना सही, ठीक है। ओके तो मैंने क्लास नेम हर जगह लिख दिया है, देखो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है क्लास नेम वाला, ठीक है। ओके नाइस, अब मैं कहाँ, तुम भी ढूंढ के कर लेना यार, ज़्यादा टाइम लग गया मुझे तो। इसके बाद हम लॉगिन का भी एक बना लेते हैं ना, लॉगिन का हमें एक पेज बनाना पड़ेगा, तो पेज वाले सेक्शन में चलते हैं। इन सबको बंद कर दो पहले, तो कंपोनेंट का ही बंद करो। पेज कहाँ है? हाँ यहाँ पे पेज है ना, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं लॉगिन का, और एक साइनअप का भी बना ही लेते हैं यहीं पे। लॉगिन में राउटिंग सेट करनी है, तो भाई चलो फिर ऐप में, राउटिंग तो यहीं पे होगी ना, तो यहाँ पे राउटिंग कर लेते एक बार। लॉगिन इंपोर्ट नहीं हुआ भाई, अच्छा यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने।
ठीक है, और ऐप में चलते हैं भाई। इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन। अब लॉगिन वाले नैव बार में चलना पड़ेगा ना हमें, तो ये रहा नैव बार और लॉगिन कहाँ है इसके अंदर, ये रहा। ओ, यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देते हैं। ओ देखो यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें, लॉगिन में चलते हैं पहले और यहाँ पे लेआउट लिखते हैं। अब सही है, ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। अब हमें लॉगिन पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ छोटा सा एक इसके अंदर, तो एक तो होगा हमारा एक इमेज, ठीक है, और एक डिव के अंदर होगा भाई हमारा फॉर्म वाला सेक्शन। तो अभी के लिए यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं। यहाँ पे होगा एक इमेज, एसेट के अंदर मैंने लॉगिन का एक पीएनजी इमेज ले रखा है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम स्मॉल में नाम है भाई, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम भाई इंपोर्ट में है ना, तो यहाँ क्यों बता रहा है? अच्छा, ये लॉगिन लॉगिन यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके, नाइस। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, क्लास नेम देके ऑब्जेक्ट कवर विर्थ फुल दे देते हैं। ठीक है, ओके, नाइस। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर भी कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज थोड़ा छोटा हो जाए, राइट, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे। तो मैं इसको अगर हाइट 200 पिक्सल दे दूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ। एक डिव ले ले, ठीक है। इसकी क्लास नेम विड्थ तो इसको फुल दे देते हैं, ओके, और हाइट हम इसको 200 पिक्सल ही देते हैं, ठीक है। अब इसका मैं बीजी ब्लैक देता हूँ, हाँ, यहाँ आ गया। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, राइट, तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, इसको क्लास दे दो रिलेटिव और इसको क्लास दे दो एब्सोल्यूट। अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी मैं काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ टॉप से भाई 0, ओके, नाइस। टॉप से 0, लेफ्ट से भी 0 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि भाई इसकी ओपेसिटी तुम 0 कर दोगे तो शो कर देगा, अगर मैं 1 कर दूँ तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, 0.5, ऐसे तो नहीं होगा ये, इसको इसमें लिखते हैं 0.5, ठीक है, 0.4, हाँ ये सही लग रहा है, ओके। अगर मैं इसके अंदर लॉगिन लिख दूँ, कोई फायदा नहीं यहाँ लॉगिन लिखने का। मैं क्या चाहता हूँ, एक
टू लेता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ लॉगिन। इसको भी मैं क्या बोलता हूँ भाई, क्लास लो तुम एब्सोल्यूट। हाँ टॉप से तो 50% कर देता हूँ। ओके एंड लेफ्ट से, लेफ्ट से 0 नहीं, मैं यहाँ चाहता हूँ ना इसे, यहाँ चाहता हूँ तो 20% कर दूँ। यहाँ आ गया, नहीं, 10% करते हैं, ठीक है। एक्स हो गया वाइट, ओके एंड फॉन्ट हो गया सेमी बोल्ड, ठीक रहेगा। ओके और टेक्स की साइज क्या होगी, 5 XL, ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, इसको करते हैं 40%। अभी इसको रिस्पॉन्सिव देख लेते हैं थोड़ा, क्या है, सही है सब कुछ तो मेरे ख्याल से तो सही है। लॉगिन को थोड़ा छोटा कर देंगे, अगर टेक्स्ट साइज करेंगे हम 3 XL, MD से ऊपर रहेगा 5 XL, ठीक है। ओके अब देख लेते हैं थोड़ा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गैप चाहिए क्या, थोड़ा मार्जिन दे देते दे क्या, थोड़ा मार्जिन टॉप 5, सही है क्या है? सही है अभी के लिए तो। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं अभी तक। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, ओके। तो लॉगिन फॉर्म के लिए हम चलते हैं टेल ब्लॉक्स में, यहाँ से हम फॉर्म ढूंढ लेंगे भाई। स्टाइलिंग इतना क्यों करें हम, पीछे तो इमेज वो हो गया ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। या फिर ये करें, कॉन्टैक्ट थोड़ी करना, हमें फॉर्म चाहिए एक। फॉर्म में भी क्या चाहिए, और कुछ नहीं है क्या इसके अंदर, अभी के लिए तो यही ले लेते हैं। हमें ईमेल चाहिए, इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलते हैं, आई फ्रेम हमें नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंटेनर को ले लेता हूँ, ये कंटेनर जो है ना, ये कंटेनर को ले लेता हूँ बस, ये कॉपी कर लेते इसको, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। देखो यहाँ पे एरर, एक तो इनपुट बॉक्स हमें देखना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा क्लोज, ओके। और क्या रह गया, और जहाँ भी क्लास है ना वहाँ पे क्लास नेम कर दो, पहली बात तो ये। ऑल्ट दबा के रखो और ऐसे करते जाओ, यहाँ पे लिख दो नेम, ओके। और कुछ रह गया, यहाँ पे भी है, और टेक्स एरिया तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें चाहिए क्लास नेम, हमें टेक्स एरिया नहीं चाहिए भाई, इसको हटा दो, कोई नहीं। बटन चाहिए हमें, लेबल में ईमेल है, ओके। एक और इनपुट बॉक्स चाहिए ना हमें, इसको ही कॉपी करो, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। हमें एक तो चाहिए ईमेल और एक पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। देखता हूँ क्या आया अभी तक, ओके ये आया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा
बीजी वाइट, रेड करते हैं इसको, 500। ये सारी चीजें वाइट करनी पड़ेगी फिर। टैक्स वाइट क्यों नहीं है भाई? कॉपी ईमेल का टैक्स, एक मिनट मैं इनपुट में जाता हूँ, इसका टेक्स्ट क्या है? बॉर्डर लास्ट नेम भी लिख दो यहाँ पे, नहीं तो एरर करेगा। जहाँ भी क्लास दिखे वहाँ क्लास नेम कर देना, देखो जहाँ पे यहाँ पे। ओके यहाँ से स्टार्टिंग है ना इसकी। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। ओके इसको मुझे सेंटर में ले गया ना, वो तो लेंगे कोई नहीं। एमएक्स ऑटो दे रखा है, कंटेनर है एमएक्स, इसको बॉर्डर देते हैं। फ्लैक्स ये पूरा कंटेनर, ठीक है ये तो कंटेनर होगा। अब ये मेरे को चाहिए LG 1/3 दे रखा है ना, ये तो हो गया इसका पूरा कंटेनर यहाँ से यहाँ तक। ओके मुझे इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आना है भाई। ये यहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि LG पे इतनी विड्थ। अच्छा इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ऐसे ये हो जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाते एक बार, ठीक है। ओके नाइस। लेफ्ट से ऑटो मत हो भाई। विर्थ फुल है, एम्प्टी टॉप से, जीरो रिलेटिव, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है हमें। टैक्स वाइट है, शेडो है, विर्थ फुल है, इसको हटाओ एक मिनट, ठीक है। ओके नाइस। मैं क्या चाहता हूँ विर्थ कितनी परसेंट हो? विर्थ हो जाए भाई 100। विर्थ फुल नहीं चाहिए हमें। विर्थ ये किसका ले रहा है वैसे? कंटेनर का ले रहा होगा ना, तो मैं और MX ऑटो करूं, सेंटर में आ गया ये। अभी इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ओके नाइस। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी फॉर्म में तो सब कुछ बढ़िया ही है। एक काम करता हूँ, इस ग्रीन को तो हटाता हूँ, इसको बस चेक करने के लिए लगाया था मैंने। ये मार्जिन सही है? मार्जिन MD से टॉप से 8 करते हैं।
24 रहने दो। स्टाइलिंग में देख रहा हूँ कितना टाइम लग रहा है, अगर स्टाइलिंग में बताने लगो ना सारी स्टाइलिंग तो सारा स्टाइलिंग में ही टाइम चला जाएगा। हाँ तो एक काम करते हैं, इस ईमेल और मैसेज को मेरे को करना है, ये भी लिखते हैं, ये तो सही है। ठीक है, ईमेल को मुझे करना है, ये रहा ईमेल, टेक्स्ट क्या है भाई, टेक्स्ट है इसका ग्रे, इसको ग्रे को हटाओ यहाँ से, मुझे वाइट चाहिए, वाइट हो गया। इसको भी हटाओ, कहाँ गया लेबल। ठीक है ओके, ईमेल मैसेज बटन हो गया हमारे पास, यहाँ फीडबैक में नहीं साइन लॉगिन लिखते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लॉगिन हो गया। यार इसका बैकग्राउंड कलर रेड रखे या फिर ओके, लॉगिन पेज तो बना दिया, एक काम करते इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंटेनर कहाँ है इसका, ये रहा। हाँ इसको कॉपी करते हैं और साइन अप पे चलते हैं, लॉगिन लॉगिन पेज 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 कहाँ गया, यहाँ पे है लॉगिन कहाँ है, साइन अप ये रहा, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉगिन, साइन अप की जगह लॉगिन लिख देता हूँ। डू यू हैव अकाउंट, यहाँ पे लिखता हूँ डू यू हैव एन अकाउंट, ये क्या लिखा है भाई, और क्या चेंज करना है मुझे, लॉगिन की जगह साइन अप करता। ओके और क्या चेंज करना है मुझे, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। हाँ एक और इनपुट बॉक्स लेते हैं, उसमें नेम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टैक्स, ईमेल की जगह नेम लिख देता हूँ, और क्या और क्या, फॉर नेम, और इस आईडी की जरूरत नहीं है हमें, नेम में ईमेल नहीं, नेम में नेम। ठीक है ओके नाइस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही साइन अप पे क्लिक करूँ ना, तो देखो या तो तुम एक काम कर सकते हो, इस पूरे को कॉपी पेस्ट करो इस इमेज को भी, और इस साइन अप पे करो जैसे कि तुमने लॉगिन पे किया है, या तो ये कर सकते हो, या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ भाई, इस लॉगिन को ही चेंज करो ना, लॉगिन और साइन अप चेंज हो, ये इमेज सेम रहे, कैसे हो सकता है बताओ, इस चीज को मुझे बस चेंज करना, ये सेम रहे, अभी कैसे हो सकता है बताओ, इस बटन के क्लिक पे।
पहली बात तो इस बटन पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यूआई में कुछ भी अपडेट करना है तो स्टेट के साथ खेलना पड़ेगा, पहली बात ये। अब देखो स्टेट के साथ ये से कर तो सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है पता है, ये लॉगिन फॉर्म यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मुझे साइन अप फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर ट्रू एंड फॉल्स के साथ उसे खेलना पड़ेगा कि ट्रू है तो ये दिखाओ, फॉल्स है तो ये दिखाओ। या फिर एक और काम कर सकते हैं, राउटिंग ही सेट कर देते हैं दोनों का, है ना। मैं क्या करता हूँ, ऐप में जाता हूँ, यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ। अब इसको, इस साइन अप को क्या करता हूँ मैं, कॉपी करो और लॉगिन वाले में चलो। लॉगिन कहाँ गया भाई, यहाँ पे इस बटन पे क्या करता हूँ, इस बटन पे एक लिंक ले लेता हूँ। अब यहाँ पे साइन अप तो सेट कर दिया, देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे किया तो ये पेज तो ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हेडर भी नहीं है, इमेज भी नहीं है, भाई हेडर कहाँ गया। साइन अप पे चलते हैं एक बार। साइन अप, यहाँ पहले तो लेआउट लिखते हैं भाई, इसको करो लेआउट, ये चीज होगी। ओके लेआउट, ठीक है लेआउट तो आ गया, लेकिन भाई इमेज तो चला गया ना। अब इसका क्या सॉल्यूशन करें बताओ, ऐसे करने से इमेज जा रही है भाई, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि एक काम करो ना, लॉगिन वाला जो है क्या ये है ना, इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो और साइन अप पे जाओ और भाई लिख दो, लेआउट के अंदर है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा भाई, हाँ दिक्कत हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है, ये कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लॉगिन की जगह साइन अप लिख दो। भाई अभी क्यों नहीं आ रहा, ओके ओके इंपोर्ट नहीं किया इमेज को। अब यहाँ पर लॉगिन जैसे क्लिक करूंगा लॉगिन पे तो लॉगिन वाले पेज पे चला जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउटिंग सेट करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे राउटिंग में लिख दो। अच्छा लिंक इंपोर्ट नहीं हुआ क्या, इंपोर्ट लिंक नहीं हुआ भाई, फिर से इंपोर्ट करो, रिएक्ट राउटर डोम से हो गया, चल दो भाई चलो। ठीक है भाई देखो, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन अप पे ये आ जाएगा। नाइस यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि इसकी हाइट सही नहीं है, है ना, इसकी विड्थ भी इतनी बढ़िया नहीं है, विड्थ में इसको फिक्स कर दूँ क्या। साइन अप की विड्थ, ओके तो बस आज लॉगिन और साइन अप पेज मैंने बनाया, ज़्यादा कुछ आज करवाया नहीं है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है।